इनकी जायज मांगे है। पहले तो चर्मकार समाज जो है तो बहुत इनका छोटा वर्ग है, छोटा समाज है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमकुवत होती है, छोटे छोटे इनके व्यापार होते हैं, आप जानते हैं, उद्योग धंधे इनके बड़े बड़े नहीं है। ऐसे में अगर जो है तो शासन अगर इनकी दखल ले, लेकिन इलेक्शन टाइम के आ गई, वक्त आ गया इलेक्शन का, विधानसभा का, जब लाड़की बहन याद आ रही है। बाकी इतने दिनों से लाड़की बहन क्यों याद नहीं आ रही है? और यहाँ पर लड़की बहनों का अपाइज मत करो, 1,500 रुपये देकर उनको जो है तो अपाइज मत करो, बल्कि उनको जो है तो कुछ व्यवसाय चालू करके दो, उनका जो तो बचत गट स्थापन करके उनकी जो है तो उद्योगता उनको बढ़ाओ, कौशल्य विकास उनका जो है तो डेवलपमेंट का काम उनके लिए, हर महीने का 4,500 करोड़ बजट अगर सरकार इसके ऊपर खर्च करेगी तो एक साल के अंदर इसका खर्चा जो है तो कितना जाएगा, यानी 50,000 करोड़ रुपये का जो है तो इसका खर्चा हो रहा है। और यहाँ पर ये है तो ये बेचारा जो है तो दलित समाज है, एस सी एस टी कैटेगरी में जो है तो ये अनुसूचित जाति के अंदर जो आता है, अगर आप इसको न्याय नहीं दे सकते तो किसको देंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर जो है तो एस सी एस टी को 13% जो है तो प्रावधान दिया है साहब, लेकिन वो किस लिए दिया था? ये मुख्य धारा में आ सके, ये कोई अपने जेब से नहीं दे रहे, संविधान के तहत दे रहे, लेकिन इसको दबाने की कोशिश, गवर्नमेंट जातिवादी है, इनको जो है तो गरीब दुबलों से एस सी एस टी से माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी अपनी जो है तो बस सियासत की रोटी सेकना है हिंदुत्व के नाम पर, बाकी इनको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ जो है तो लोगों को शोषित कर रही है, लोगों को पीड़ित कर रही है, लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है। देखो, सबसे पहले हमारे चर्मकार समाज के साथ जातिवाद करने वाली ये भाजपा शिवसेना सरकार का हम जाहिर निषेध करते हैं। हमारे संत, हमारी मांगे ये है, संत रविदास महामंडल में से हमारे चर्मकार समाज के नौजवान नवयुवाओं को उद्योग व्यवसाय करने के लिए लोन दिया जाता, वो लोन अभी तक ये सरकार ने अभी तक डिस्बर्स किया नहीं है। हमारे संत रविदास महामंडल में फाइल डालने के लिए जो जाचक आटी लगाई हुई है जमींदार के हमें पत्र की, वो जाचक आट रद्द करना चाहिए, ये हमारी मांग है। उसके बाद में वाहन कर्ज योजना चालू होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। उसके बाद सीएम साहब ने हमारे चर्मकार समाज की समस्या जानने के लिए, हमारे चर्मकार समाज के समस्याओं का हल निकालने के लिए सह्याद्री अतिथि गृह पर एक बैठक का आयोजन करना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे समाज के महापुरुष संत रविदास जी महाराज, इनका स्मारक होना चाहिए, इनके जयंती के दिन शासकीय छुट्टी जाहिर होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और हमारे चर्मकार समाज के लोग संत रविदास महामंडल के ऑफिस में जाते, वहाँ पर जो ब्रिक्स इंडिया कंपनी के जो कंत्राटी कामगार है, वो हमारे समाज के लोग, चर्मकार समाज के लोगों को एक गलत वागणूक देते और उनका एक गलत भाषा का इस्तेमाल करते, वो ब्रिक्स इंडिया कंपनी रद्द होना चाहिए, उनका ठेका रद्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारी मांगें पूरी होती नहीं, तब तक हमारा अनशन चालू रहेगा। क्या वजह है जो आपके समाज को सरकार न्याय नहीं दे रही है, दूर बच रही है, क्या वजह? हमारे ये काम की एक ही वजह है कि हमारे समाज को ये सरकार हल्के में ले रहे, लेकिन ये सरकार का एक गैर समझूतपना है कि ये हमारा अनुरोध है, ये सरकार से हमारी सूचना है, हमारा सुझाव है सरकार से कि ये सरकार ने हमारे चर्मकार समाज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी विधानसभा इलेक्शन आ रहा है तो आपके समाज का क्या रोल रहने वाला है? बिल्कुल, हमारा समाज का रोल रहने वाला है, हमारा समाज का जो रोल रहेगा, हम इसके बाद में जो हमारी रणनीति ठहरेंगी हम उसमें जाहिर करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इलेक्शन का बहिष्कार का कुछ ऐसा आपका ऐलान होने वाला है क्या? वो देखो, अभी सरकार के पास चांस है, अभी सरकार के पास चांस है कि सरकार हमारी मांगे पूरी कर सकती है, उनकी मानसिकता हुई तो। सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हमारा चर्मकार समाज ये सरकार के साथ क्या करेगा, आने वाले कुछ दिनों में हम बताएंगे। राम भगोरे। आप कुपोषण पर बैठे हैं, तो ब्रिक्स इंडिया के खिलाफ में बैठे हैं यहाँ, तो ऐसा क्या ब्रिक्स इंडिया ने आपके समाज के खिलाफ या आपके लोगों के खिलाफ किया है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि उसका तो पर्टिकुलरली रद्द हो रहा है? पहले तो मैं भाजपा शिवसेना सरकार का निषेध करता हूँ। अभी जो ब्रिक्स इंडिया जो कंपनी है, ये कंट्रैक्ट कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्टर पे बेस पे, पर ये ऐसे समझते हैं क्या? हम
सरकार की तरफ से हम परमानेंट हो गए हुए हैं। ये लोगों पे अन्याय अत्याचार करते, ये हर चीज़ पे पैसे मांगते हैं, ये बोलते हैं हाँ कल अभी हमारा समाज अगर संत रविदास विकास महामंडल मुंबई में भी गया तो उनको बोले हमारे फाइल का क्या हुआ है, कोई आदि का हमारे जो गांव से जो लोग आते हैं औरंगाबाद जिले से जो जाते हैं समझो वो पूरे लोग जो जाते हैं फुलमरी ये उनको पूछते हैं भाई ये फाइल का क्या हुआ है, हमने ये जो पैसे भरे हुए धनादेश जो भरे हुआ है तो उनका क्या हुआ, आज चार चार महीने हो जा रहे हैं, चार महीने होने के बाद में भी आज तक उनका लोन सेंक्शन नहीं हुआ है, डिसबर्स नहीं किया गया है। आप दो दिन से यहाँ बैठे हैं, किसी अधिकारी ने यहाँ पे विजिट नहीं, नहीं अभी तक किसने दखल नहीं ली हुई है, अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं आया और हमारे मंडल से कोई अधिकारी भी नहीं आया भाई। आपको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग पर बैठने के बाद। हाँ सर जाते हैं, अधिकारी की मिली भगत है? मिली भगत तो बहुत है, सरकार की मिली भगत है सब में बड़ी, सरकार सब में बड़ी मिली भगत कर रहा है। ये अभी शिवसेना भाजपा चर्मकार समाज ये हिंदू वोटिंग है, खासकर हिंदू वोटिंग होने के कारण इनको चर्मकार समाज ये SC में आता है। पूरे महाराष्ट्र में लगभग कितनी वोटिंग होगी आपको? हाँ पूरे महाराष्ट्र में लगभग कितनी वोटिंग है आपको? पूरे महाराष्ट्र की तो नहीं बोल सकते साहब, अभी हम औरंगाबाद जिले की हद तक बोल सकते हैं 2 से 2.5 लाख 2.5-3 लाख तक हो सकती है। क्या बोले साहब? बोला सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कब आगे आने वाले हैं? अभी आएंगे ना, अभी अभी तो अनशन चालू किया है हमने, अभी इसके बाद अभी हमारी जो मांगे पूरी नहीं हुई इसके आगे हम आपको बताएंगे, सरकार को बता देंगे। अभी आप बैठे जब से यहाँ पे कौन से लीडर हैं, कौन से पार्टी हैं? कोई नहीं, शिवसेना भाजपा युति का कोई भी नहीं आया भाई, ना आमदार आया ना खासदार आया ना कोई भी आया भाई, कोई पार्टी का कोई नेता कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं आया भाई। आपकी इच्छा है कि किसी ने आना चाहिए? आना चाहिए, चर्मकार समाज इतनी बड़ी तादाद में 2 से 3 लाख के इसमें सिटी में उन्होंने आना चाहिए, चर्मकार समाज 3 लाख बोले तो अब एक का दो आमदार चुन के आ सकते, 2-3 आमदार। अच्छा इस बार अभी आप सिर्फ 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, आज आने वाले समय में पूरा भरने वाला है क्या? आने वाले समय में कल पहला दिन था हमारा, पहला दिन में आज ये पूरा माप भरे हुआ था। आप कैसा है सकल चर्मकार समाज की ओर से, अभी तो हम सब लोग बैठे हुए, कब तक चलने वाला है? अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक चलने वाला है। आपका नाम बताइए? संजय जाटवे। आज आप जिला कार्यालय के सामने ओपोजिशन पर बैठे हैं, क्या अपील करेंगे आपके समाज से बोलो या सभी लोगों से आपकी तरफ से? सबने पहले ये BJP सेना सरकार का जाहिर निषेध करते और हमारे सकल चर्मकार समाज से विनंती करते कि हम समाज के लिए लड़ रहे, सब समाज में एकजुट तो बताई, कल हम यहाँ पे 100-150-200 लोग थे और आगे चल के और हमारे समाज को सब समाज को हम जागरूक करना चाहते हैं कि सब समाज ने एकत्रित आके समाज के लड़े के लिए लड़ाई लड़ना है और जो अपने को न्याय नहीं दे रहा ये सरकार को अपनी ताकत बताना। बड़ा मोर्चा निकालने का कुछ ऐसा आपके पूरे समाज के तरफ से आपका क्या है? हाँ है हमारे समाज के तरफ से, अभी समाज उस सब तरफ इंटीमेशन देना चालू है, जैसा समाज एकत्रित हो जाएगा उस टाइम में हम लाखों के संख्या के हिसाब से मोर्चा निकालेंगे। मेरा नाम भगवान तरटी। सर आज आप यहाँ सकल समाज के सपोर्ट में आए हैं, कौन से पार्टी के हैं और क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं बताएं? जी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष से हूँ और आई माइनॉरिटीज़ का जिला कार्यदेश हूँ औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद ज़िले का। और यहाँ पर जो है तो सकल चर्मकार समाज का जो है तो कल से आमरण उपोषण चल रहा है और यहाँ पर मेरे ऐसी सुनने में बात हुई आई है कि अभी तक ना कोई सत्ताधारी यहाँ पर पहुँचा है ना कोई दिगर पार्टी का पहुँचा है, इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष पांडुरंग तांगड़े पाटिल साहब के आदेश पर ये तो यहाँ पर आया हूँ और इसको आमरण उपोषण को यहाँ पर मैं पाटिंबा दे रहा हूँ। क्या लगता है इनकी जो मांगे है वो जायज़ मांगे है, सरकार ने पूरी करना चाहिए? साहब बिल्कुल इनकी जायज़ मांगे है, पहले तो चर्मकार समाज जो है तो बहुत इनका छोटा वर्ग है, छोटा समाज है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमकुवत होती है, छोटे छोटे इनके व्यापार होते हैं आप जानते हैं, उद्योग धंधे इनके बड़े बड़े नहीं है, ऐसे में अगर जो है तो शासन अगर इनकी दखल नहीं लेगी तो इनकी दखल कौन लेगा? जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 40 कोटी रुपए इनके जो है तो योजना के लिए मंजूर किए हैं लेकिन वो तिजोरी में पड़े हैं, 3 कोटी रुपये आप खर्च कर रहे हैं और 37 करोड़ रुपये अभी भी बाकी है,
तो 37 करोड़ का बाद में क्या अचार डालने वाली है क्या गवर्नमेंट? इनको क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है? इनके हक का पैसा है, ये भी टैक्स भरते हैं, भारत देश के रहवासी है, महाराष्ट्र के रहवासी है और इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इनके सारी जो है तो मांगने यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, सारी मांगने इनके रास्ते और जो इनके जो महामंडल के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लगा है ब्रिक्स इंडिया कंपनी, तो हमारी तो सब में ज़्यादा मांग ये है कि भाई पैसा शासन का, ये लोग जो है तो शासन के उटर, फिर इनके बीच में ये उद्धट स्वभाव रखने वाली जो है तो ब्रिक्स इंडिया कंपनी किस लिए चाहिए? सरासर इनको ये कॉन्ट्रैक्ट इनका रद्द करो ब्रिक्स इंडिया का और इनकी जो है तो अमल बजावनी करो तुरंत। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे लाडली बहन की योजना निकालती है, सभी महिला मंडल के अकाउंट में जो है तो महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता है, दूसरी तरफ दूसरे समाज के जो लोग हैं उनको जो है तो पैसा नहीं दिया जाता है, तिजोरी में बंद करके रखा जाता है, ये कहाँ तक सही है? हमारा ये कहना है कि महिलाओं को देने कोई गलत नहीं है लेकिन इनको भी ज़रूरत है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, जब से लाडली बहन योजना चली है सब में ज़्यादा जो है तो इसके ऊपर, इस योजना के ऊपर टिकर टिप्पणी जो है तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तो खासदार सुप्रिया ताई सुले जी ने की है, क्योंकि जो है तो इनको एन इलेक्शन टाइम के आ गई, वक्त आ गया इलेक्शन का, विधानसभा का, जब लाड़की बहन याद आ रही है, बाकी इतने दिनों से लाड़की बहन क्यों याद नहीं आ रही है? और यहाँ पर लाड़की बहनों को आप अपाइज मत करो, 1500 रुपये देकर उनको जो है तो अपाइज मत करो, बल्कि उनको जो है तो कुछ व्यवसाय चालू करके दो, उनका जो है तो बचत गट स्थापन करके उनकी जो है तो उद्योगता उनको बढ़ाओ, कौशल्य विकास उनका जो है तो डेवलपमेंट का काम उनके हाथ में दे दो, ताकि उनको 15 से 20 हज़ार रुपये जो है तो महीने की सैलरी आ सके। ये जो है तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन पुरता 2 और 3 महीने का शगुफा छोड़ा हुआ है और ये अभी मध्य प्रदेश में जो है तो लाड़की बहन योजना बिल्कुल तरीके से बंद हो चुकी है साहब, क्योंकि इसको हर महीने 4500 करोड़ रुपये का बजट इसके अंदर लग रहा है। अब अंदाज लगा लिए हर महीने का 4500 करोड़ बजट अगर सरकार इसके ऊपर खर्च करेगी तो एक साल के अंदर इसका खर्चा जो है तो कितना जाएगा, यानी 50,000 करोड़ रुपए का जो है तो इसका खर्चा हो रहा है। और यहाँ पर ये है तो ये बेचारा जो है तो दलित समाज है, SC ST कैटेगरी में जो है तो ये अनुसूचित जाति के अंदर जो आता है, अगर आप इसको न्याय नहीं दे सकते तो किसको देंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर जो है तो SC ST को 13% जो है तो प्रावधान दिया है साहब, लेकिन वो किस लिए दिया था? ये मुख्य धारा में आ सके, ये कोई अपने जेब से नहीं दे रहे, संविधान के तहत दे रहे, लेकिन इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको रोकने की कोशिश। एक सवाल ऐसा भी है कि सरकार जो माइनॉरिटी है उनको एक तरफ लोन देने की बात करती है और व्यवसाय चालू करने की बात करती है, लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी रख देती है कि एक आम इंसान, एक गरीब घर का बंदा वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है, तो इसमें कंडीशन कैसी होनी चाहिए ज़रा आप साहब? इसके अंदर जितने भी जाचक अटी लगाई जाती है और सब में बड़ी इसके अंदर ये लगा देती है कि भाई तुम्हारा तो लोन पास हो गया है और इसके लिए क्या करो, आप जो है तो जमींदार ढूंढ के लाओ, हाँ गवर्नमेंट वो भी, अब एक तो हमी पत्र वाला, वो भी हमी पत्र वाला, अब वो बेचारा जो है तो पहले से ही अपने ड्यूटी के अंदर परेशान रहता है, अपनी बीवी बाल बच्चों के मसले मसाइल में उसके खुद के कर्ज लेके उसकी ज़िंदगी चलती है, वो क्या कि इसको खुद का कर्जदार होने वाला दूसरे को हमी पत्र देगा? तो ये गवर्नमेंट जातिवादी है, इनको जो है तो गरीब दुबलों से, SC ST से, माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी जो है तो बस सियासत की रोटी सेकना है हिंदुत्व के नाम पर, बाकी इनको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है और ये सिर्फ जो है तो लोगों को शोषित कर रही है, लोगों को पीड़ित कर रही है, लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है। सकल समाज के साथ MCP राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार मजबूती से खड़ा है, मजबूती के साथ साफ खड़ा है। आज जो है तो यहाँ पर मैं जिला कार्याध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर आया हूँ और अगर इसकी दखल कोई ऑफिसर नहीं लेता है तो कल हमारी पूरी पार्टी जो है तो यहाँ पर होंगी और जिला अधिकारी के कैबिन में घुस के हम उसको जवाब मांगेंगे कि आप दखल क्यों नहीं ले रहे। 2 महीने के बाद में इलेक्शन होने की आशंका है, हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी सरकार आएगी या उनकी सरकार गिरेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता आपकी सरकार आ जाती है तो ये जो कंडीशन है इसमें कोई सुधार, और जो ऐसे समाज है जो कुछ खुद से नहीं कर पाते, जो सरकार आश्वासन देती है, इसके लिए आपका क्या रोल है साहब? हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार अल्हम्दुलिल्लाह 100% आने वाली है और ये गवर्नमेंट के अंदर खुद बौखलाहट है, इसीलिए जो है तो नीतीश राणे जैसे कुत्ते जो है तो भोग रहे हैं, रामगिरी जैसे लोग जो है तो विवादित बयान दे रहे हैं और लोगों को जो है तो गुमराह कर रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी लोकसभा के अंदर आपने नतीजे देख लिए क्या है, विधानसभा के अंदर भी हमारी सरकार आने ही वाली है और हमारे ही सरकार के अंदर जो 70 सालों से कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार आई थी उन्होंने ये सारी योजना को लाया है, उन्होंने सारे महामंडल बनाए हैं, ये तो चोर सिर्फ 5 से 10 साल के लिए आए हैं और इनको ये पब्लिक जो है तो इंशाल्लाह वापस भिजाने का काम करेंगे।